सोच कर विकल भई सारी पिछली बात। दिव्य दृष्टि से दृश्य जो दिखलाए मुनिगर्ग, योग माया ने शेष को धरो रोहिणी गए। आज नए वस्त्रों में और वो भी पीली पगड़ी के साथ। हाँ देवकी, और अब ये वस्त्र तुम्हें धारण करने हैं। आज सब कुछ पीला पीला, आज कोई विशेष दिन है स्वामी। हाँ देवकी, आज विशेष दिन है। इतने वर्ष कारागार में व्यतीत करने के बाद हमें याद ही नहीं रहा कि कोई दिन भी विशेष होता है, किंतु आजकल हमें हर दिन विशेष लगता है। आचार्य गर्ग जी ने जब से कहा है कि हमारे दोनों संतान जीवित हैं, उस दिन से हमें हर दिन हर पल जीने का मन करता है। तो आज हमारे स्वामी किस दिन को उत्सव के रूप में मना रहे हैं? आज बसंत पंचमी है देवकी। बसंत ऋतु के स्वागत में पृथ्वी एवं पृथ्वी के लोग पीले रंग में रंग चुके हैं। हमें इन वस्त्रों को धारण करके इस उत्सव को मनाना है। किंतु स्वामी, बगैर बच्चों के उत्सव कैसा? मुझे तो सब सूना सूना लगता है, उत्सव मनाने का मन ही नहीं करता। क्यों मन नहीं देवकी, हम मन को मनाएंगे। इससे बड़ी प्रसन्नता की बात और क्या होगी कि हमारी दोनों संतान जीवित है। पहले मैं सोचता था कि परमेश्वर परमात्मा कठोर है, निर्दयी है, किंतु नहीं, परमेश्वर केवल हमारी परीक्षा लेता है, कतई वो निर्दयी नहीं है। हाँ स्वामी, हमारे बच्चों के जीवित रहने की सूचना ही हमारे लिए उत्सव है। हम इसे पुत्र जन्म का ही उत्सव मनाएंगे। तो फिर लो देवकी, इन वस्त्रों में मैं तुम्हारी सुंदरता देखने के लिए उत्सुक हूँ। बाहर सभी गोकुल इकट्ठा हैं और सभी आपकी राह देख रहे हैं। अरे चलो जल्दी चलो, वरना उत्सव शुरू होने में देर हो जाएगी। भाभी आप भी चलिए। नहीं, हम नहीं जाएंगे। कृष्ण और बलराम को उत्सव में ले जाना ठीक नहीं होगा। हम यहीं पर रहकर उनकी देखभाल करेंगे। हाँ भैया, दोनों बच्चों पर पता नहीं कैसी कैसी अनहोनी हो रही है। बच्चों को उत्सव में ना ले जाना वही ठीक होगा। अरे बसंत पंचमी का आज इतना बड़ा उत्सव है और आप दोनों घर के अंदर रहेंगे? सारा गोकुल उत्सव मना रहा है। पहले पूतना, फिर गागासुर और अभी श्रीधर शास्त्री। आप ही बताइए, हम बच्चों को ऐसे में बाहर कैसे ले जाएं? यशोदा, इतना सब कुछ हुआ है पर हमारे दोनों लल्ला का कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। जिनकी रक्षा स्वयं परमात्मा करते हो उनके साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। आज बसंत पंचमी के उत्सव पर सब लोग आ रहे हैं तो हमारे लल्ला
और उनकी प्रिय माताएं घर के अंदर कैसे रह सकती हैं? नंदी, बैलगाड़ी की दौड़ शुरू होने वाली है, चलिए जल्दी आइए। अरे आज तो बैलगाड़ियों की भी दौड़ है, बहुत आनंद आएगा। देखो हमारे लल्ला भी कह रहे हैं कि हम भी दौड़ देखेंगे। चलो यशोदा जल्दी। अभी तो मैंने लता कहना, दोनों लल्ला का ध्यान रखना, हम शीघ्र आते हैं। चलिए जाके देखो तो। अरे ये सब गाय तो नंद बाबा के घर की ओर जा रही है। प्रभु के आन रुक गए, पास प्रभु के आन रुक गए, बैल गए पहचान। बाल रूपों में है भगवान, बाल रूपों में है भगवान, पास प्रभु के आन रुक गए, पास प्रभु के आन रुक गए। ये तो बड़ी ही आश्चर्य की बात है, पहचान। सारी गाय लल्ला के सामने आकर रुक गई। अरे आखिर लल्ला किसका है? मेरे लल्ला के आगे तो सभी माथा झुका देते। यहाँ पर प्रेम दिखलाने की क्या आवश्यकता थी? मैया के साथ साथ सभी गोकुल वासियों को भी डरा दिया। मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, अब जाओ नहीं तो दौड़ में पिछड़ जाओगे। जाओ लौट जाओ। जी जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे लल्ला गायों से बातें कर रहा है। हाँ यशोदा, मुझे भी लगता है जैसे ये दोनों कभी कभी बातें करते हैं। हाँ मामा मामा करते हैं, लगता है किसी विशेष भाषा में बातें करते हैं। कुछ ना कुछ बात तो है जी, नहीं तो ये चमत्कार कैसे होता। प्रभु ऐसा लगता है आपका कृष्ण स्वरूप मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षियों को भी मोहित कर रहा है, इसीलिए तो ये पशु पक्षी आपसे मोहित होकर बाल कृष्ण के पास खींचे चले आते हैं। देवर्षि, इसका कारण है पशु पक्षियों का निर्मल और पवित्र हृदय। वे बोल नहीं सकते परंतु परमात्मा के प्रति अपनी मनोभावना अपने तरीके से प्रकट करते हैं। आश्चर्य हो रहा है प्रभु, घोर आश्चर्य। जब गोकुल के पशु पक्षी भी आपके इस स्वरूप को देखकर अपना प्रेम प्रकट कर सकते हैं तो ये कंस मनुष्य का रूप पाकर भी आपके स्वरूप को क्यों नहीं पहचान पा रहा है? मुझे तो चिंता हो रही है, कंस स्वयं आपको चुनौती देकर अपने विनाश का कारण क्यों बना हुआ है? चाणूर, शीघ्र बताओ सूचना क्या। जब बैलगाड़ियों की दौड़ हो रही थी तो अचानक बैलों ने अपना रास्ता बदल दिया और वो कृष्ण की ओर दौड़ने लगे। सबको लग गया था
कि वो कृष्ण और बलराम को कुचल कर निकल जाएंगे, लेकिन हमारे गुप्तचरों ने बताया कि कृष्ण के सामने आते ही सभी बैल रुक गए। चलो चलो चलो, तुम हमारे शत्रुओं की प्रशंसा हमारे सामने करके हमें बताना क्या चाहते हो? यही मंत्र नरेश, कि कृष्ण नंद का पुत्र नहीं है, कृष्ण वसुदेव और देवकी की संतान है, क्योंकि विष्णु ने षड्यंत्र करके अपने रूप को नंद के घर पर पहुंचाया है। कृष्ण देवकी और वसुदेवकी की संतान है मथुर नरेश, आठवीं संतान। तुम्हारी बहन देवकी और वासुदेव की संतान ही तुम्हारी मृत्यु है। तुम्हारी मृत्यु है। देवकी का आठवां पुत्र तुम्हारी मृत्यु होगा। मृत्यु होगा। कल्याण मस्तु। ईश्वर सद्बुद्धि और विवेक दे। मैंने आपके यज्ञ कार्य में विघ्न डाला, उसके लिए मुझे क्षमा करें। अमात्य चाणूर, आपकी विनम्रता देखकर समझे क्षमा हो गई, किंतु आपके साथ इन सैनिकों को देखकर यह स्पष्ट हो रहा है कि आप मुझे बंदी बनाने के लिए आए। फिर से क्षमा करें आचार्य, इसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। आप हमारे पूज्य हैं, और अपने पूज्य के आश्रम में कोई सशस्त्र सैनिकों के साथ यज्ञ के समय प्रवेश करे तो क्या समझना चाहिए? आप इसे अन्यथा न लें आचार्य, यदि आपको यह अच्छा नहीं लगा तो इस अपराध के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आने का कारण बताएं। आचार्य, मथुरा नरेश महाराज कंस आपसे मिलने के लिए इच्छुक हैं, इसीलिए उन्होंने आपको राजभवन बुलाया है। महाराज कंस ने हमें बुलाया है? अमात्य चाणूर, क्या महाराज कंस बीमार हैं? कदापि नहीं आचार्य। तो क्या उन्होंने राजभवन से बाहर ना निकलने का संकल्प ले रखा है? ये बात भी नहीं है आचार्य। तो अवश्य किसी ने उन्हें बाहर ना निकलने के लिए कहा होगा। इतना दुस्साहस कौन कर सकता है? तो ऐसा कौन सा संकट है कि मथुरा नरेश को मुझे बुलाने के लिए सैनिकों को भेजना पड़ा? क्या मथुरापति आचार्य के सम्मान में स्वयं नहीं आ सकते थे? इस प्रश्न का मेरे पास कोई उत्तर नहीं है गुरुदेव। अमात्य चाणूर, शिष्य चाहे राजा हो या रंग, वो गुरु के पास स्वयं जाता है, सैनिक भेज कर उन्हें नहीं बुलाता। हाँ, यदि शिष्य किसी संकट में हो तो गुरु स्वयं उसकी सहायता के लिए जाता है। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। महाराज को हमारा संदेश दीजिए कि यज्ञ समाप्ति के पश्चात हम तत्काल उन्हें मिलने आएंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। कल्याण मस्तु।
कहां से आए आप? किससे मिलना है? नंग यशोदा लाल को? नहीं नहीं काका, क्षमा कीजिए, हम जान पहचान के बिना किसी को नंदलाल से नहीं मिलने देते। बेटा मैं 30 कोस दूर से चल कर आ रहा, एक बार मुझे दर्शन करने दो और ये फूल उनकी चरणों में अर्पित करने दो। मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। पर काका क्या बात है? ये लल्ला को देखना चाहते हैं नंद बाबा। मैं सिर्फ एक बार उनके दर्शन करना चाहता हूँ। उस बच्चे के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, वो चमत्कारिक बच्चा है। एक बार इस आंखों से उस बच्चे का मोहक रूप देखने दो। आइए बाबा। आइए। ऋषि मुनियों से सुना था द्वारपार युग में प्रभु अवतार लेंगे। बच्चों के बारे में जो जो सुना हूं मुझे लगता है यही वही अवतार है। नहीं, ये मेरा लल्ला है, जैसे हर माँ का बच्चा होता है। कोई अवतार या भगवान नहीं। आप कृपा करके यहाँ से चले जाइए। आज के बाद मैं इस घर में किसी को नहीं आने दूंगी। कितने वर्षों बाद हमारे घर में लल्ला की किलकारियां गूंजी और ये लोग मेरे लल्ला को अवतार कहके मुझे मेरी ममता का आनंद नहीं उठाने देंगे। इसका पल पल बड़ा होना देखना है मुझे। इसका ठुमक ठुमक कर चलना, माँ माँ कह के मुझे संबोधित करना, इसकी छोटी छोटी शरारतें, सबका आनंद लेना है मुझे। भगवान बना देंगे तो मैं भी तो भक्त बन जाऊंगी। ममता किस पर लुटाऊंगी फिर? नहीं, मुझे तो बस अपना लल्ला ही चाहिए। छोटे माँ को बता देना कि तू सत्य में कौन है। भैया नहीं बता सकता। क्यों? क्यों नहीं बता सकते? माँ ने मुझे बेटे के रूप में मांगा था, उसके लिए मैं बेटा ही रहूँगा। नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।